हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज द एपिसोड नंबर 4 इन द सीरीज ऑपरेशन 926 जनरल अवेयरनेस फॉर द अपकमिंग आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन 2020। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द हम्बल गाई, लेट्स बिगिन। तो इससे पहले कि पहला सवाल देखें, कुछ चीजें बता देते हैं आपको कि जैसे कि आपका मार्च 29th ऑफ मार्च आपका एग्जामिनेशन है, एज यू ऑल नो। ठीक है, 29th ऑफ मार्च मीन्स आज हो गया फोर्थ, यानी सिर्फ 24-25 डेज लेफ्ट है। इसमें कई लोग पूछ रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें ये बता दें आपको कि एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, मतलब जनवरी फरवरी ये मार्च पूरा, और वहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब अक्टूबर 1st से लेके एंड मार्च 25 तक, तो ये तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है, सीरियसली। और उससे पहले भी 1-2 महीने का थोड़ा एक बार नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस अक्टूबर के हैं, कुछ नवंबर के हैं, कुछ दिसंबर के हैं, और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट, देन फाइनेंशियल अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट, देन अभी ये देखा गया है कि कुछ एग्जाम्स में स्टैटिक का पार्ट कम रहता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने देखा होगा, नहीं इसका अपना जो आईबीपीएस क्लर्क का हुआ था 19 जैन को, उसमें स्टैटिक के 10-12 क्वेश्चन थे, तो वी कैन नॉट इग्नोर स्टैटिक पार्ट ऑल्सो, राइट। सो करंट अफेयर, स्टैटिक, देन बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, ये 5-6 जो है टॉपिक्स सीरियसली कवर करने पड़ेंगे। तो वी ट्राई कि वी टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज एरियाज इन अवर वीडियोस, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो नंबर 4, एंड कोशिश ये करेंगे कि डेली एटलीस्ट एक वीडियो आपके लिए लेके आए, जब तक कि इसका मेन्स एग्जामिनेशन हो नहीं जाता। और मेन्स एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले एक जो बड़ा सा 200-250 क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन of this episode number 4 is Husni Mubarak, who passed away recently, was a former president of which country? So jab hum question aapke samne rakhenge aur jab answer rakhenge uske beech mein there will be a gap of around 4-5 seconds, so in the meantime you can answer the question, theek hai. Agar aap without option dekh ke karte hain to bahut hi acha, because ye aapko turant yaad aa jayega examination mein, aur agar option dekh ke bhi karte hain to bhi koi baat nahi, आप एक पेन पेपर ले लीजिए और जस्ट ये देखिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से कितना आंसर आपने सही किया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हुस्ने मुबारक वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। सेकंड क्वेश्चन इज रीसेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमन क्रिकेटर्स हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स। सो इज इट स्मृति मंधाना, ज़मीमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर और शफाली वर्मा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शफाली वर्मा। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इन्हें अभी 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है, तो ये क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार करके रख लीजिए आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए। So the right answer to this question is option D, Ajay Tyagi. Balbir Singh Kullar, fourth question is Balbir Singh Kullar, who passed away recently, was related to which sports? Badminton, cricket, hockey or football? Right answer, option C, hockey. Anshula Kant is the chief financial officer and managing director of which international organization? This question has come in lot many examinations last year. बहुत सारे examination में question देखने को मिला, तो ये जरूर important question है, याद करके जाइएगा। Right answer is option D, World Bank Group. Who has been crowned Miss Universe 2019? Miss Universe, Miss World, ये सारे questions भी आपको देखने को मिल जाते हैं इन examinations में, तो यहाँ पर right answer है, देखते हैं क्या है राइट आंसर। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, मेडिसन एंडरसन, सोफिया अरागोन, सुमन राव और जोजिबीन तुंजी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जोजिबीन तुंजी। हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस? अशोक पंडित, शशि थरूर, ऋषभ शर्मा या नंदिता सेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शशि थरूर। The headquarters of Small Industrial Development Bank of India, that is SIDBI, is located at, options are Lucknow, Indore, Jaipur, or is it Bhopal? So the right answer is Lucknow, option A.
डैश डिनोट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन द स्टॉक ऑफ अ कंपनी इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो अभी आपने हाल ही में न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़े बड़े एड देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन बिग एडवर्टीजमेंट्स ऑफ एसबीआई कार्ड्स। फर्स्ट टाइम एसबीआई कार्ड्स की लिस्टिंग हो रही है, सो द फर्स्ट टाइम इफ एनी कंपनी इज लिस्टेड सो इट इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑप्शन बी। Peter Handke won the 2019 Nobel Prize for Literature. He belongs to which country? This question also has featured in some of the examinations, so it's very important. So Peter Handke is from Austria, option D. Who has been named Times 2019 Person of the Year? Barack Obama, Ban Ki-moon, Greta Thunberg, or is it Antonio Guterres? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ग्रेटा थनबर्ग। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज हेल्ड फ्रॉम 8th टू 9th फरवरी इन विच इंडियन स्टेट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नजरिए से, ठीक है, रिसेंट का सवाल है एंड इट कैन कम, मतलब ये अगले 6 महीने के लिए तो बिल्कुल किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इसका जो जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जस्ट शेयर योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट पुणे। बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ये मर्जर वाला क्वेश्चन भी आता है। 30th अगस्त 2019 को जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो अनाउंसमेंट करी थी, सो एज पर डेट पिछली बार हमने पूछा था कैनरा का किसके साथ मर्जर हो रहा है, तो राइट आंसर वाज सिंडिकेट बैंक। दिस टाइम द क्वेश्चन इज इंडियन बैंक इज गोइंग टू बी मर्ज विद विच बैंक। ऑप्शंस आर कैनरा, इलाहाबाद, इंडियन ओवरसीज और इज इट पंजाब नेशनल बैंक। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इंडियन बैंक इज गोइंग टू बी मर्ज विद इलाहाबाद बैंक, कैनरा विद सिंडिकेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। Reserve Bank of India has rejected the merger of Lakshmi Vilas Bank with which housing finance company? Options are LIC Housing Finance, India Bulls Housing Finance, Muthoot Housing Finance, or is it Manipal Housing Finance? The correct answer is option B, India Bulls Housing Finance. Which state has topped the recent health index according to second health index launched by Niti Aayog? Options are Maharashtra, Karnataka, Kerala or Andhra Pradesh. So correct answer is option C, Kerala. The headquarters of Ujjivan Small Finance Bank is located at, options are Pune, Guwahati, Bengaluru or Mumbai. Correct answer is option C, Bengaluru. Under the Mudra scheme, ye bhi important sawal hai, yaad rakhiyega. Under the Mudra scheme, one woman in every self-help group, one woman in every self-help group, every SHG is eligible for a loan up to, कितने तक लोन मिल सकता है SHG में एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत? Right answer is option D, 1 lakh. On 10th of December 2019, 34-year-old Sana Marin was sworn in as the Prime Minister of which country? सही जवाब है इसका option D, Finland. Muhyiddin Yassin is the current Prime Minister of which country? ये क्वेश्चन भी आप अगले 6 मंथ्स के लिए लिख के रख लीजिए, जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स हो, SSC हो, EPFO हो, ESIC हो या UPSC, कोई भी एग्जाम हो। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मलेशिया। द 5th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वॉज हेल्ड फ्रॉम 5th to 8th of November 2019 एट विच इंडियन सिटी? Options are Hyderabad, Kolkata, Bengaluru or Delhi. The right answer is option B, Kolkata. And the last question of this episode is lending and borrowing money between banks for a period between 2 to 14 days is known as. ये भी बहुत important topic रहता है, ठीक है, money market, तो इससे एक सवाल जरूर देखने को मिलता है, खासकर जो SBI, IBPS या RBI exams होते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोटिस मनी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 22 सवाल और होपफुली आपने ये 22 सवाल अटेम्प्ट्स करे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आउट ऑफ दिस 22 क्वेश्चंस हाउ मेनी यू कुड अटेम्प्ट।
करेक्टली राइट। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सवाल हम अपने अगले एपिसोड्स में जरूर लेके आते रहेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड यू लाइक आवर कंटेंट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज वी विल बी विद यू स्पेशली फॉर दिस आरबीआई असिस्टेंट मेन्स एग्जामिनेशन, जीए सेक्शन प्लस कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो भी एग्जाम होंगे उस पर भी हम फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही। रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल और दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।